चलो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी जो हम बात करेंगे सबसे पहले हम ये डिफरेंस समझेंगे हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब हेल्थ केयर और हेल्थ के बीच में हम डिफरेंस समझेंगे और हॉस्पिटल के, इन तीनों के बीच में डिफरेंस समझेंगे, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, एक चीज है, क्या है ये, ठीक जी सर, है, और फिर इनसे रिलेटेड हम करियर स्कोप भी समझेंगे, ठीक है। ठीक है। तो क्या है कि अगर हम सुपर पावर होने की बात करते हैं कि भाई हम जो है सुपर पावर बनेंगे इस दुनिया में, तो उसके लिए क्या है, हमें हेल्दी सिटीजन्स चाहिए। अब हेल्दी सिटीजन्स ही काम कर सकते हैं, जैसे अभी आप बीच में बीमार पड़ गए तो आप अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाए, हॉस्पिटल में काम भी नहीं कर पाए, है ना। अब इस जी सर, बीमार होने से आपके आपके पेरेंट्स भी आपके मतलब आपकी बीमारी में खर्चा किया होगा पैसा उन्होंने, और उनका भी टाइम टाइम जो है आपकी हेल्थ केयर में लगा होगा, है ना, कि भाई आप जब बीमार होंगे तो केयर में लगा होगा आपकी टाइम, है ना। जी तो उससे क्या हुआ होगा, उनका भी बिजनेस का कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लॉस तो हुआ ही होगा, ऐसा तो नहीं कि कुछ भी लॉस नहीं हुआ होगा, डेफिनेटली जी कुछ ना कुछ लॉस तो हुआ ही होगा उनके भी बिजनेस का। अब उनके टाइम का भी लॉस हुआ होगा, आपके टाइम का भी लॉस हुआ, और आपके आपके काम का भी लॉस हुआ, आपकी लर्निंग्स का भी लॉस हुआ, आपका एक साल भी वेस्ट हुआ, है ना। तो अगर हम पावरफुल देश बनने की बात करते हैं, सुपर पावर बनने की बात करते हैं, तो उसके लिए हमें हेल्दी सिटीजन चाहिए, और हेल्दी सिटीजन के लिए हमें अच्छा हेल्थ केयर सेटअप चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, पेशेंट तो अपना पैसा और प्रोडक्टिव टाइम खोता ही है, साथ में अटेंडेंट भी खोता है, तो डबल 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 काम होता है। एक आदमी कहते हैं कि एक आदमी अगर बीमार पड़ जाता है तो उसके साथ में घर के कई सारे लोगों को मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है। हमें अब यही चीज को समझना है, कैसे हम इसको बेहतर कर सकते हैं। तो आपको हेल्थ और हेल्थ केयर के बीच में, जैसे मैंने समझा कि आपको कोई आइडिया नहीं है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, आपने बताया कि सिर्फ इंटर रिलेटेड है, पर ये कुछ डेफिनेशंस हैं, पर डेफिनेशंस मैं नहीं बताऊंगा हेल्थ और हेल्थ केयर के बीच में कि भाई हेल्थ क्या होता है और हेल्थ केयर क्या होता है। हम सीधा बात करेंगे एग्जाम्पल से, ठीक है। अब मुझे आप बताओगे मेरे को कि देखो, मैं खुद पढ़ाने से ज्यादा आपसे आपको कहूंगा कि आप मुझे बताओ, और फिर जो आप गलत बताओगे उसी को हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। जी सर, अब आप बताओ, एक आदमी को हेल्दी रहने के लिए क्या चाहिए, बताओ। हेल्थी एनवायरनमेंट चाहिए उसे, हेल्थी फूड, हेल्दी हेल्दी फूड चाहिए, ठीक है, मतलब डाइट, डाइट चाहिए मेरे को, हाँ, और बताओ। और सर एक्सरसाइज करे डेली वो, और वेरी गुड एनवायरनमेंट भी होना एक्सरसाइज, चाहिए सर, मतलब आसपास का जो होना चाहिए वो थोड़ा साफ सुथरा हाँ सब, और ठीक है। तो मतलब क्लीन आपका कहने का मतलब है वाटर। कि पोल्यूशन पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, जैसे कि एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, जी 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 नॉइस पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन ना हो, ठीक है। एक्सरसाइज करनी जरूरी है, जी खाना जरूरी है, और क्या है, और हेल्दी रहने के लिए क्या जरूरी है, सर, इनकम का सोर्स ऑफ भी होना चाहिए, क्योंकि सर वरना फिर टेंशन होगी, टेंशन होगी तो ब्लड प्रेशर होगा, ब्लड प्रेशर होगा तो चलो फिर ठीक है। हॉस्पिटल होगा। इनकम इनकम अरे सबसे बड़ी बात है, अगर इनकम नहीं होगी तो खाना कैसे खाओगे, खाना खरीदोगे कैसे, मैं है कैसे खाऊंगा ना। सर? नहीं, चलो खाने ठीक लायक है, तो मजदूर कर ही लेता है, मगर वो फिर अंडर स्ट्रेस रहता है ना सर वो चलो ठीक है, और बताओ, और क्या तो। चाहिए। इनकम हो गया, डाइट हो गई, एक्सरसाइज हो गई, साइज हो और गई, एनवायरनमेंट हो गया, और क्या चाहिए एनवायरमेंटल इसके इश्यू हो अलावा, गया, है और मेंटल थोड़ा आदमी मेंटल मतलब। वेलबीइंग चाहिए आपको कि भैया सब ठीक रहे, आपके मतलब रिलेशनशिप्स, आपके आपके भी घर है वालों की तबीयत सब ठीक रहे, ये भी एक तरह का मेंटल हेल्थ चाहिए, डिप्रेशन ना हो आपको, हेल्दी रहने के लिए ये भी चाहिए आपको, और क्या चाहिए। बस सर, मेरे पास तो इतना ही आइडिया है। हाँ जी, और भी, और उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो बहुत कुछ, बट इस टाइम आ नहीं रहा इसका ना अच्छा, पानी नहीं चाहिए पीने के लिए, सर, कह तो दिया था मैंने क्लीन वाटर। अच्छा, क्लीन वाटर, और इसके अलावा, क्लीन वाटर के अलावा और क्या चाहिए, प्रॉपर ड्रेस, सैनिटेशन नहीं चाहिए आपको, सैनिटेशन, ड्रेस, हाँ, रेस्ट भी चाहिए आपको, वेरी गुड, रेस्ट भी चाहिए, सैनिटेशन भी चाहिए, जी। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये सब आपको मिल गया तो क्या इसके बाद फिर भी आप बीमार नहीं, फिर मतलब अगर ये सब मिल गया तो आप बीमार नहीं पड़ोगे, ये पक्का हो गया, नहीं ये तो नहीं लिखा है सर, पक्का हो गया, बट अच्छा, ये है कि हाँ, मोस्ट ऑफ द तो उसके अलावा चांसेस ये बीमार हो पड़ गया सकते कि हो, बीमार नहीं होंगे, मोस्ट ऑफ द हाँ, चांसेस। लेकिन फिर भी बीमार पड़ सकते हैं, जी, फिर जब बीमार पड़ जाएंगे तो फिर क्या चाहिए हमको, हेल्थ केयर चाहिए, फिर वेरी गुड वेरी गुड, हमें हॉस्पिटल। हेल्थ केयर चाहिए, ठीक है। जी अब हेल्थ केयर
इसका मतलब क्या है, हेल्दी रहने के लिए हमें पैसा, खाना पीना, साफ एनवायरनमेंट, टाइम, हमें ये सब चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम फिर भी बीमार पड़ जाते हैं तो हेल्दी रहने के लिए हमें हेल्थ केयर भी चाहिए। तो इसका मतलब हेल्थ इज अ ब्रॉडर एस्पेक्ट और हेल्थ केयर इज अ सबसेट ऑफ इट, इसका एक सबसेट है, ठीक है, हेल्दी रहने के लिए। अब चलो आप बीमार हो गए, बीमार होने के बाद में आपको क्या क्या चाहिए? बीमार होने के बाद सर हॉस्पिटल मेडिसिन, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। हॉस्पिटल में हॉस्पिटल क्या होगा आपके साथ में? में डॉक्टर होंगे, डॉक्टर चेकअप मेडिसिन, हाँ नहीं, डॉक्टर पहले चेकअप करेंगे, चेकअप करने के बाद क्या करेंगे वो? चेकअप के बाद सर वो जो भी उनके मतलब प्रोग्रेशंस होंगे वो बताएंगे, मेडिसिन देंगे, अगर नहीं, वो एडमिट सब लायक करने की होगा तो उसमें सुनो, एडमिट करेंगे। चेकअप देखो पहले एक होता है क्लिनिकल चेकअप करेंगे, जी उसके जी बाद में वो कुछ टेस्ट एडवाइस करेंगे आपको कि अपना ब्लड टेस्ट करा लो, अपना अपना एक्सरे करा लो वगैरह वगैरह, जो भी सो प्रॉब्लम होगी इन्वेस्टिगेशंस उसके रिलेटेड। कराएंगे, है ना, जी, इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे। इन्वेस्टिगेशंस कराने के बाद में क्या होगा, दे विल कम टू अ डायग्नोसिस, और वो डायग्नोसिस के बाद में क्या होगा, आपका ट्रीटमेंट शुरू होगा, ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए। है ना, फिर आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा। ट्रीटमेंट में क्या होगा, ट्रीटमेंट में दवाइयां होंगी या सर्जरी होगी, जो ठीक भी है, और जो भी दवाइयां होंगी वो आपको कहाँ मिलेंगी, हॉस्पिटल में रह के खानी पड़ेंगी आपको, या ऐसा भी हो सकता है कि दवाइयां लेके घर भी भेज दें आपको, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, फिर दवाई कर खा के, मतलब दवाई खा के ट्रीटमेंट लेके हॉस्पिटल के अंदर आप ठीक भी हो जाओगे 2-4 दिन के अंदर। जब आप ठीक हो जाओगे तो फिर क्या होगा, फिर आपको पैसे पैसे चुकाने पड़ेंगे, है जी ना। वही तो मनी आ गई। ये सब, हाँ, तो ये सब चीजें जो है ये हेल्थ केयर का पार्ट है। तो अब हमने हेल्थ समझ लिया, हेल्थ क्या होता है, जी हेल्थ केयर समझ लिया, हेल्थ केयर इज अ सबसेट ऑफ हेल्थ, ठीक है। अब हम समझते हैं कि हेल्थ केयर में क्या क्या चीजें हैं जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं हॉस्पिटल के अंदर। हाँ, हेल्थ केयर में क्या 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 चीजें हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, हमने बात किया, हॉस्पिटल में कई सारे हॉस्पिटल्स हो गए, फार्मास्यूटिकल दवाइयां हो गए, डायग्नोस्टिक्स हो गए, मेडिकल मेडिकल इक्विपमेंट्स हो गए, है ना, जी मेडिकल इंश्योरेंस, इंश्योरेंस मैंने कहा ना पैसा पे करना पड़ेगा तो इंश्योरेंस से पैसे आते हैं, और टेलीमेडिसिन, आजकल टेलीमेडिसिन भी चल रहा है। टेलीमेडिसिन क्या होता है? सर, इसकी टेली मेडिसिन टेलीमेडिसिन क्या होता है? सर, इसकी नॉलेज है नहीं मेरे। अच्छा, आप भी बीमार हुए तो आपने ऐसा किया कि अपनी रिपोर्ट किसी को व्हाट्सएप कर दियो? हाँ, जी सर करिए। तो टेलीमेडिसिन एक तरह से, ओके 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 आपने जैसे अगर आपके कहीं कहीं पे कोई इन्फेक्शन हो गया हो, हाथ पैर में कहीं पे स्वेलिंग आ गई हो अगर, तो उसकी फोटो खींच के भेज दी हो आपने, तो वो क्या है, टेलीमेडिसिन टेलीमेडिसिन है। डॉक्टर से फोन पे बात करके करके कि भी मेरे को ये खांसी हो रही है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, और ये मेरी रिपोर्ट आई है, तो उसके बेसिस पे डॉक्टर ने आपको कुछ ट्रीटमेंट बताया कभी कि ये दवाई ले लेना आप, जी सर क्या बताया। है वो, टेलीमेडिसिन है। समझ में आ गया, टेलीमेडिसिन, जी, ठीक है। सो हॉस्पिटल के अंदर क्या क्या हो, हेल्थ केयर के अंदर क्या क्या है, हॉस्पिटल्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स है, क्या बोलते हैं, डायग्नोस्टिक्स हैं, डायग्नोस्टिक में दो तरह के इक्विपमेंट हो गए, एक लैब के इक्विपमेंट्स हो गए, एक इमेजिंग इक्विपमेंट्स हो गए, ठीक है। मेडिकल सप्लाईज हैं, जैसे कॉटन हो गया, पट्टियां हो गई, बैंडेज हो गया, बहुत सारी चीजें होती है उसके अंदर, है ना। फिर इन सबको पे करने के लिए क्या है, मेडिकल इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस ठीक है ना, मेडिकल इंश्योरेंस और टेलीमेडिसिन, अगर मैंने आपको समझा दिया, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, सर क्या ये सब मिलके क्या बनाते हैं, मतलब हॉस्पिटल, हॉस्पिटल इक्विपमेंट, इक्विपमेंट सप्लाई, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, हेल्थ केयर, ठीक है। तो अगर आप कोर्स करो बैचलर्स इन हॉस्पिटल ना हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ, तो इसका मतलब आपको कहीं पर भी काम मिल सकता है आपको, अगर आप लोगों की खाना को बेटर करने के लिए आप अच्छे कुछ करते हैं तो उससे रिलेटेड भी काम है, एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, वो भी एक हेल्थ केयर का पार्ट हो गया, हेल्थ का पार्ट हो गया। अगर सर आप हमारी हेल्प हेल्थ की किस किस फील्ड में हो सकती है? देखिए, ये जो आपने हमने पहले बात किया था ना, ये जी सब,
ये सब चीजें जो है, आप एनवायरमेंट सैनिटेशन अच्छा कर रहे हैं आप अगर, तो वो हेल्थ से रिलेटेड काम हो गया। सैनिटेशन अगर अच्छा होगा तो बीमारियां नहीं होंगी, है ना, पोल्यूशन कम हो रहा है तो बीमारियां नहीं होंगी, तो उससे क्या हो गया, ये सारे हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट हो गया। अब अगर मैं बात करूं हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन, तो हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होगा, हॉस्पिटल्स, अगर हॉस्पिटल को मैनेज कर रहे हो, हॉस्पिटल मैनेज कर रहे हो तो वो हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट कर रहे हो तो वो हेल्थ केयर का पार्ट हो गया। डायग्नोस्टिक, आपने देखा होगा कई कई डायग्नोस्टिक कंपनीज में, जैसे महाजन इमेजिंग सेंटर है या लाल पैथ लैब है, यहाँ पे अगर आप काम कर रहे हो तो वो भी हेल्थ केयर मैनेजमेंट का ही पार्ट है। ठीक है, तो आप अगर हेल्थ केयर मैनेजमेंट कर रहे हो तो हेल्थ केयर मैनेजमेंट में आप इन सब में किसी में भी काम कर सकते हो, टेलीमेडिसिन, मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल इक्विपमेंट, डायग्नोस्टिक, फार्मास्यूटिकल्स, ऐसे ही क्या है, हॉस्पिटल्स, लास्ट क्या चीज हो गया, हॉस्पिटल्स। अब अगर आप हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आप कहाँ काम कर सकते हो, हॉस्पिटल के अंदर काम कर सकते हो। आप समझ में आया तीनों के बीच में डिफरेंस अभी आपको? जी, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, ये तीनों में डिफरेंस ये है। कोई डाउट? हाँ सर, नहीं डाउट नहीं है, बट थोड़ा क्या नाम है, मिक्सअप सा हो रहा है ना मिक्सअप क्या हो रहा है बताओ। सर। मतलब हॉस्पिटल और नहीं सॉरी, हेल्थ और हेल्थ केयर में। हाँ देखो, हेल्थ और हेल्थ केयर में दोबारा समझ लेते हैं। अगर अगर क्या है, नालियों की सफाई हो रही है, ठीक है, सो नालियों की सफाई होने का रीजन क्या है, नाली की सफाई नालियों की सफाई सर, से क्या होगा। हाँ सर सैनिटेशन सफाई होगी तो सर क्या नाम है, आदमी बीमार नहीं पड़ेगा, वही हेल्थ से हाँ रिलेटेड। हेल्थ, हेल्थ, तो अगर मैं नाली की सफाई से रिलेटेड कोई पॉलिसी बना रहा हूं कि भैया नालियों की सफाई रेगुलरली होनी चाहिए, उनके लिए नाले बनाए जा रहे हैं, उनके लिए वो हो रहा है, सो दिस वर्क कैन बी कंसिडर्ड इन हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, ओके ठीक ठीक है ना, क्योंकि है अभी बीमार नहीं पड़े आप, अभी क्या है, बीमार ना पड़े इसलिए नालियों की सफाई करा रहे हैं। ठीक है, ठीक बिल्कुल है, आप हेल्दी डाइट खाएं। अगर मैं इससे रिलेटेड मैं एजुकेशन करता हूँ, सबको जाकर बताता हूँ कि भैया मोमोज मत खाओ, आप क्या बोलते हैं, आप हेल्दी डाइट के लिए फ्रूट्स खाओ, अगर मैं इस बारे में कुछ बता रहा हूँ लोगों को, तो वो क्या हो गया, हेल्थ हेल्थ, एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट हो गया। ठीक है ठीक है, पर आई इसके अंडरस्टैंड। बाद, हाँ, अब अगर इसके बाद में हम बीमार पड़ जाते हैं फिर भी, तो उसके बाद क्या चाहिए हमें अपनी बीमार बीमार से हेल्दी होने के लिए, वापस हॉस्पिटल हेल्थ हेल्थ केयर, हेल्थ केयर चाहिए, हेल्थ केयर, केयर चाहिए जी। ठीक है ना। अब हेल्थ केयर में क्या होता है, हॉस्पिटल्स होते हैं कि भाई हॉस्पिटल में जाके आप एडमिट होकर ट्रीटमेंट लेते हो, ठीक है, वहां पे दवाइयां भी चाहिए, तो दवाइयां तो फार्मास्यूटिकल कंपनी से बन के आती है ना, कोई हॉस्पिटल जी तो जी दवाई बनाता नहीं अपनी, है ना। डायग्नोस्टिक्स, डायग्नोस्टिक्स मतलब आप टेस्ट बाहर कराते हो या टेस्ट हॉस्पिटल में भी कराते हो, तो मशीन तो बाहर से बन के आती है ना। मेडिकल इंश्योरेंस तो कोई और ही पैसे देता है आपके, तो ये सारी मिलके हो गए हेल्थ केयर। ओके ओके और इसके अंदर एक छोटा सा चीज होती है हॉस्पिटल, हॉस्पिटल एक और चीज होती है हॉस्पिटल, ठीक है, कि जिसके अंदर ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं, चाहे बाहर से आई हो लेकिन मिल जाती हैं हॉस्पिटल के अंदर। जी मतलब आपका हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, आपका हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, आपका हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। अभी अंतर समझ में आया थोड़ा सा? अगर आप हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन करते हो तो आप इंश्योरेंस कंपनी में भी काम कर सकते हो। सर, हॉस्पिटल में नहीं कर सकते, हॉस्पिटल अगर एडमिनिस्ट्रेशन है तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, हॉस्पिटल में तो कर ही सकते हैं, अगर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है तो नहीं, जैसे आई एम इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट नहीं तो कर ना। सकते हैं। देखो सुनो सुनो, टेक्निकली मतलब प्रैक्टिकली कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या होगा, अगर आपको इंश्योरेंस की नॉलेज होगी तो वो उनको, देखो इंश्योरेंस कंपनी वाले को एक ऐसा आदमी चाहिए जो कि इंश्योरेंस को समझता हो, कोई भी समझने वाला हो, चाहे उसने 10th भी पास कर रखी हो, अगर उसे मेडिकल इंश्योरेंस समझ में आता है, हॉस्पिटल्स की इसको जानकारी है, तो उसको दिया जा सकता है, पर टेक्निकली वो काम नहीं कर सकता है। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन वाले को सिर्फ हॉस्पिटल में ही काम करना चाहिए, दैट इज व्हाट इट इज सेड, पर प्रैक्टिकली वो लोग ले लेते हैं। ओके ठीक ठीक है, है समझ में आ गई बात। जी जी अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ और, ठीक है, अब आपको क्या काम करना है कि हाँ, आपको अपने बिजनेस के लिए एक आदमी चाहिए जो रोज कैलकुलेशंस बैठ के करता रहे, ठीक है, और आपने कहा कि भी 10th पास का होना चाहिए कम से कम, वो तो कैलकुलेशन ही करनी है बस उसको, पर एक बात बताओ कि रोज कितने पैसे आए,
कितना स्टॉक गया, कितने पैसे खर्च हुए एंड ऑल दैट, इसका ही चाहिए बस। तो रोज रोज वो कैलकुलेशंस करना है उसको। अब आपने कहा 10th पास ही चाहिए मेरे को, सपोज करो कोई लड़का आपके पास में आता है जो कि 10th पास नहीं है, लेकिन वो 8th पास है, लेकिन वो कैलकुलेशन अच्छे से कर लेता है, और आपने उसने आपको इस बात से कन्विंस कर लिया कि हाँ वो अच्छी कैलकुलेशन कर सकता है, आपने उसको चेक किया, मतलब टेस्ट लिया, उसका इंटरव्यू लिया, और आपको लगा कि हाँ ये कर सकता है सही, तो अब आप मुझे बताओ, और वो अच्छी कैलकुलेशन करता है, इवन 10th पास जिसने कर रखी है उससे भी बेहतर वो कैलकुलेशन करता है, तो एक बात बताओ मुझको आप कि आप करोगे, मतलब आप उस आदमी को हायर करोगे कैलकुलेशन करने के लिए? यस सर, क्यों क्यों? क्योंकि सर जो मैं काम कराना चाहता हूँ वो तो कर सकता है ना। बस बस सेम चीज, मेडिकल इंश्योरेंस के साथ भी सेम चीज है। जस्ट अ सेकंड प्लीज। हेलो, क्या एम आई ऑडिबल मोमिन? हाँ तो अब yes. क्या है? हाँ जी एक सेकेंड। हाँ जी तो आप ऐसे ही सेम मेडिकल इंश्योरेंस के साथ में भी है, मेडिकल इंश्योरेंस में जो काम किया जाना चाहिए अगर वो आपको आता है, चाहे आपने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कर रखी हो, चाहे आपने फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट कर रखी हो, चाहे कुछ भी कर रखा हो आपने, चाहे हेल्थ मैनेजमेंट कर रखी हो आपने, अगर वो काम आता है आपको, ठीक है, तो आपको वो ले लेंगे। अब होता क्या है, प्रैक्टिकली यूजुअली जब आप हॉस्पिटल में काम करते हो तो मेडिकल इंश्योरेंस का काम भी आपको आ ही जाता है, समझ में आ जाता है, और थोड़ा बहुत आपका इंटरेस्ट होता है, तो आप वो अगर वहां पे जाके इंटरव्यूअर को ये कन्विंस कर दो कि हाँ मुझे ये काम अच्छे से आता है, तो आपको वो काम मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा सर एक क्वेश्चन है सर मेरा। हाँ जी बताइए सर। हॉस्पिटल में मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है उसमें सर मैंने देखे कि काफी सारे स्टाफ्स होते हैं जो अंदर बैठे होते हैं, तो मतलब अगर हम जैसे एचआर होता है उसके अंदर जो काम करते होते हैं, तो हॉस्पिटल में सर इतने स्टाफ की जरूरत, मतलब एन ए बी एच की मतलब जरूरत क्या है? मतलब मैं वहाँ पे जब मैंने मैंने एन ए बी एच में भी काम करा है, कंसल्टेंसी में सर मैंने काम करा है, इसमें हेल्थ माइलस्टोन है इधर द्वारका सेक्टर 11 में सर, उसमें मैंने सर करी है 2 महीने लगभग कराया उसमें भी सर। ठीक ठीक है ठीक है। मैं अलग अलग हॉस्पिटल में पालम में है, पालम मेट्रो स्टेशन में है सर एक हॉस्पिटल, मैं शायद देव नाम था हॉस्पिटल का, मैंने काफी बार विजिट करा, इधर गाजियाबाद भी मैं आया था मैम के साथ में अपनी। तो मतलब ये था कि एनएबीएच की उन्होंने भी मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था, मैं उनको भी जवाब नहीं दे पाया था कि एनएबीएच की जरूरत क्यों है। मतलब आज हॉस्पिटल वाले एक अपना पर्सनल बंदा भी तो रख सकते हैं जितनी अमाउंट वो एनएबीएच को दे रहा है। क्यों जरूरत पड़ती है? जी जी चलो तो आंसर आज आपको इसका आंसर देते हैं। एनएबीएच का क्या जरूरत है, मतलब क्यों एनएबीएच? सर आपकी आवाज थोड़ी बफरिंग हो रही है। मैं अभी आ रही है आपको मेरी आवाज सही से? जी जी अब आई सर। हाँ देखो एनएबीएच की क्या जरूरत होती है, ठीक है, आपके मैं ना आप ही के एग्जांपल से आपको समझाता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि आप क्या समझना चाहते हैं। ठीक है, आपके फादर क्या काम करते हैं? सर मेरे फादर तो वैसे ठेकेदार हैं। किस चीज के? मंडी है सर हमारी। अच्छा अच्छा फ्रूट मंडी ना, एपीएमसी वाली? एपीएमसी। जी जी जी। अच्छा एपीएमसी में आपका एक अपना एरिया होगा जहाँ पे कि वो किसान अपना जो है अपना जो प्रोड्यूस जो है आपके पास लेके आते होंगे, आप उन्हें पैसे देते होंगे। हम खरीदते हैं और फिर अंदर फैक्ट्री में जहाँ पे भी हम मतलब सेल करना वहाँ सेल कर देते हैं। ठीक है चलो अब एक बात समझो, ठीक है, थोड़ा सा आपका सपोज करो अपना हॉस्पिटल है, ठीक है ठीक है, आपके हॉस्पिटल में पेशेंट आया और आपने उस इलाज किया और पेशेंट इलाज करवा के घर से चला गया, ठीक है, तो इलाज करवाने के बाद उसने पैसे भी दिए होंगे आपको। जी सपोज करो उसने 1,00,000 रुपए का इलाज कराया और वो चला गया, तो आपको मजा आया कि यार 1,00,000 रुपए मिलेगा, मेरे को मजा आ गया, ठीक है। अच्छा फिर क्या हुआ, एक और पेशेंट आया आपके पास में,
उसने इलाज कराया, 2 लाख रुपए दिए, चला गया। तो आप भी और भी खुश हुए यार, और पैसे मिल गए। फिर एक तीसरा पेशेंट आया, वो कहने लगा कि सर मेरे को बीमारी तो है पर मुझे ना ये इलाज कराना है पर मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप उसका इलाज करोगे? नो no. नहीं कर पाओगे, क्योंकि भैया आप आपको भी तो पैसे चाहिए ना, आपके हॉस्पिटल में आपको स्टाफ की सैलरी देनी है, जो सामान खरीदा जाएगा वो खरीदना है आपको, ठीक है? तो अब नहीं कर पाओगे, तो आप कहोगे भाई हम तो इलाज कर नहीं सकते फ्री में, ऐसा इलाज आप सरकारी हॉस्पिटल में चले जाओ। प्रॉब्लम क्या है कि सरकारी हॉस्पिटल में ऑलरेडी इतने सारे पेशेंट्स हैं, जब तक उस पेशेंट का नंबर आएगा तब तक वो पेशेंट मर चुका होगा जी, है ना? तो अब क्या हुआ, सरकार को ये बात समझ में आने लगी कि हाँ यार ये तो गड़बड़ है। तो हम क्या करते हैं, हम मतलब सरकार ने कहा कि भाई मतलब हम जो है हम हॉस्पिटल के साथ में टाई अप कर लेते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि हम हॉस्पिटल के साथ में टाई अप कर लेते हैं, ठीक है, कि भाई कोई भी गरीब आदमी अगर आ रहा है तो आपके यहाँ आके इलाज करा ले, ठीक है, और उसका जो खर्चा होगा ना वो हम देंगे, ठीक है, और इसका अगर 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए तक का खर्चा होगा तो सरकार देगी, ठीक है, सरकार ने वो, तो आप अब आप ऐसे गवर्नमेंट के साथ टाइप करना चाहोगे? जी सर कर लेंगे, कोई इशू नहीं भाई, आपको तो अच्छा ही है कि वो पेशेंट उनके थ्रू पेशेंट आएगा तो आपका मतलब 2-3 लाख रुपए तक का इलाज अगर उसका होगा तो अपने हॉस्पिटल में करा दोगे उसको, जी। है ना? तो अब पता चला कि डेली कम से कम 50 ऐसे गरीब पेशेंट्स आ रहे हैं जो आपके इलाज करा रहे हैं और 2-3 लाख रुपए देके जा रहे हैं, तो आपकी तो अच्छी खासी कमाई हो गई इसी से ही, आया ना? अच्छा, अब ना सरकार को ये लगने लगा कि यार तुम काम तो हमने तुम्हें दे दिया, लेकिन लेकिन क्या है, हमें क्या पता तुम किस क्वालिटी का काम दे रहे हो, मतलब ये भी तो हो सकता है कि आपने पेशेंट को ढंग से इलाज नहीं करा, ठीक है, ऐसे ही बस ऊपर ऊपर खाबड़ सा इलाज कर दिया हो, ठीक है, हाँ मतलब ठीक कर दिया हो फॉर द टाइमिंग के लिए, मतलब पैसे भी ले लिए हमसे और पेशेंट पूरी तरह ठीक भी नहीं हुआ, ऐसा भी तो कर सकते हो भाई आपके पास में, समझ में आ रही है आपको बात? जी 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 क्वालिटी काम नहीं किया, जैसे अब रोड बनाई किसी ने तो रोड अच्छी नहीं बनाई, मतलब 1 साल तो चल गई, 2 साल में खराब हो गई वो, ठीक है। अब क्वालिटी ट्रीटमेंट की भी ऐसी ही बात है कि भाई क्वालिटी ट्रीटमेंट नहीं कर रहे वो लोग, यस सर। तो अब अगर वो क्वालिटी ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, अगर वो क्वालिटी ट्रीटमेंट नहीं कर रहे तो ये एक प्रॉब्लम वाली बात है। तो सरकार ने बोला कि भाई हमने मतलब सरकार ने क्या करा, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था NABH, और उसको ना उसने उनको बोला कि आप स्टैंडर्ड सेट करो कि अगर किसी पेशेंट का क्वालिटी ट्रीटमेंट होना है तो उसके लिए स्टैंडर्ड सेट करो, कुछ बेंचमार्क्स बनाओ, स्टैंडर्ड बनाओ, जैसे कि ये होता है कि अगर कोई भी हॉस्पिटल को NABH कराना होता है, NABH अगर होता है तो क्या होता है, अगर कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर जाए तो वहां पे ना रिसेप्शन पे लिखा होगा कि हॉस्पिटल के कौन कौन सी सर्विस दी जाती है, जैसे कि उसको स्कोप ऑफ सर्विस एक बड़ा बड़ा अक्षरों में लिखा जाए कि यहाँ पे बच्चों से रिलेटेड दिया जाता है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड दी जाती है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की ट्रीटमेंट दिया जाता है, कि प्रॉपरली ब्रॉड में लिखा हो, ब्रॉडली लिखा हो, ठीक है। तो ऐसे ना बहुत सारे एनएबीएच ने स्टैंडर्ड्स बना दिए, कभी भी किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट हो तो उससे पूछ के हो, वो कंसेंट देगा तभी उसका ट्रीटमेंट हो, अदरवाइज उसका ट्रीटमेंट ना हो। तो ऐसे उन्होंने लगभग लगभग 650 स्टैंडर्ड बना दिए, 650 स्टैंडर्ड बना दिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 650 स्टैंडर्ड बना दिए, समझ में आ गया आपको बात? हेलो, यस सर, यस सर आ रहा है। तो वो 650 स्टैंडर्ड बना दिए एनएबीएच ने। अब सरकार ने बोला आपको आपको मतलब आपके हॉस्पिटल को अगर हमारे साथ टाइप करना है और ज्यादा पैसे चाहिए तो आपको NABH होना जरूरी है, ठीक है। मतलब क्या मतलब, जैसे आपके हॉस्पिटल में अगर एक नॉर्मल डिलीवरी, अगर एक सपोज लो हार्ट सर्जरी अगर 40,000-50,000 रुपए की हो रही है, 50,000 रुपए की हो रही है,
अंडर गवर्नमेंट के टाइप के थ्रू, गवर्नमेंट के टाइप के थ्रू अगर आपके यहाँ 40-50 हज़ार रुपए की सर्जरी हो रही है, तो आप एक काम करें कि आप आपका हॉस्पिटल अगर NABH accredited होगा तो आपको हम 50 हज़ार नहीं, आपको हम 60 हज़ार रुपए देंगे। अच्छा, आपको हम 60 हज़ार रुपए देंगे उसी एन ए, अगर आपका वो ही होगा तो आपको लगेगा यार कि यार मैं अगर NABH मुझे मिल जाए तो मेरे एग्जिस्टिंग जो मुझको पैसे सरकार से मिल रहे हैं, सरकार से मिल रहे हैं, मुझे उसका 10 हज़ार रुपए ज्यादा मिल जाएंगे तो मैं NABH करा लेता हूँ। समझ में आ गई बात आपको? यस सर। Yes, आप ये देखा देखी, ये देखा देखी, देखा देखी कि सरकार ऐसे कर रही है, तो इंश्योरेंस कंपनी वालों ने भी बोल दिया कि हम आपके साथ टाइप जब भी करेंगे, जब आपका NABH हो तभी करेंगे टाइप। आपको लगा कि यार अगर मेरा NABH नहीं होगा तो इंश्योरेंस के थ्रू तो कितने सारे पेशेंट्स आ सकते हैं हॉस्पिटल के अंदर, है ना मोमिन? Are you there? Are you left? Mumin, can you hear me? Mumin, hello. Can you hear me? Anji, can you hear me? Mumin, can you hear me? Yes, sir. I hear you. हेलो मोमिन, आपको समझ में आया आपको NABH करना क्यों जरूरी है अभी? जी जी सर, आगे ना समझ में? जी ठीक है। आने वाले टाइम में सरकार ये बोलेगी कि हम आपके साथ टाइप जब भी करेंगे जब आपका हॉस्पिटल NABH हो। जी सर, ठीक है ना। तो आपको एज अ हॉस्पिटल ओनर क्या लगेगा यार, नॉर्मल जो अमीर पेशेंट होते हैं वो तो कम ही आते हैं जो अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं, है ना। जो गरीब पेशेंट है वो काफी आते हैं, अब उनके थ्रू सरकार के थ्रू मुझे पैसा मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है? NABH जरूरी है सर। ठीक है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं NABH क्यों कराना जरूरी है। और कोई क्वेश्चन आपका? नो नो। अच्छा सर, NABH हेलो। हाँ जी, बताइए। NABH हमने करा लिया, NABH में मैंने काम करा था हेल्थ माइलस्टोन में, तो उन्होंने एग्रीडेशन कर दिया। तो सर उसके बाद जो मतलब क्या नाम है टीम आती है, तो वहाँ पे सर रहती थोड़ी ना वो क्वालिटी के मतलब काम देखते हैं, जैसे मैंने क्वालिटी में भी थोड़ा सा करा था काम स्टैंडर्ड, जैसे क्या नाम है TMC होता है। अब आप कह रहे हैं कि क्वालिटी टीम क्या होता है, एक बड़ा हॉस्पिटल है, 500 बेड हॉस्पिटल है, 1000 बेड हॉस्पिटल है, ठीक है, 1000 बेड हॉस्पिटल है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, डेली क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए मुझे कम से कम 5 लोगों की टीम चाहिए। तो मैंने क्या करा, मैंने उन लोगों को हायर ही कर लिया अपने हॉस्पिटल में कि तुम हमेशा मेरे हॉस्पिटल में ही रहो और डेली देखो हॉस्पिटल को, क्योंकि वो 1000 बेड हॉस्पिटल है, वो 5 लोगों की टीम हायर करके अपने यहाँ पे रख सकता है। ठीक है, ठीक है। पर एक बात बताओ, एक 20 बेड हॉस्पिटल, 20 बेड का जो हॉस्पिटल है, छोटा सा हॉस्पिटल है जी, ठीक है, क्या वो 5 लोगों की टीम अपने हॉस्पिटल में रख सकता है? नो नो, नहीं रख सकता। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जिस कंसल्टेंसी में आप गए थे, ठीक है, उन कंसल्टेंसी को हायर करते हैं। भाई ऐसा है कि साल में ये 4 साल में एक बार ही होना होता है, ठीक है, या 2 साल में एक बार ही होना होता है, तो आप एक काम करो, हमसे 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, जितने भी बात बनती है, इतने हमसे लो और हमारा NABH कर दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं NABH के लिए कंसल्टेंसी देना, कि कोई, जैसे मैं आपको सही बताऊं तो मैं खुद भी एक, हम खुद भी, हमारी कंपनी है और हम उसमें, मैं हम खुद भी NABH कंसल्टेंट हैं, ऑलरेडी हम 16 हॉस्पिटल्स करा रहे हैं। आप NABH तो वो हमें है सर?
हाँ जी, हाँ जी, कैनरे तो कौन सी? हेल्थ केयर करके है अपने पास में, तो उसमें इधर दिल्ली में ही है। अभी हम 16 हॉस्पिटल्स करा रहे हैं अभी, और उसमें एक एक एनएबीएच एक्रेडिटेशन वो भी गया उसका। होता अच्छा सर, एनएबीएच में होता क्या है? क्या है मतलब? मतलब एनए जैसे हॉस्पिटल या गवर्नमेंट ने कहा कि एनएबीएच कराओ, तो एनएबीएच में मतलब क्या नाम है उसमें, क्वालिटी मतलब आदमी जब जाता है तो क्वालिटी मतलब हॉस्पिटल की क्वालिटी चेक होती है या देखिए, मतलब सुनिए साफ सुनिए सुनिए, क्या सफाई या होता है, डस्ट पे मैंने मतलब? बताया ना, एनएबीएच ने एक स्टैंडर्ड्स की लिस्ट बनाई हुई है, ठीक है, स्टैंडर्ड्स की लिस्ट बनाई हुई है। जैसे कि कोई भी अगर एमबीबीएस नहीं है तो वो ट्रीटमेंट नहीं कर सकता हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ उन्होंने, ठीक है। कोई भी एमबीबीएस एमडी गायनेक जब तक नहीं है, ठीक है, वो सी सेक्शन मतलब जो जो बच्चों के लिए डिलीवरी कराते हैं वो नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे इन्होंने स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं, 650 स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं। अब अगर आपका हॉस्पिटल वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है तो आपका हॉस्पिटल एनएबीएच एक्रेडिटेड हो जाएगा, नहीं करता तो नहीं होगा। जैसे एक एनएबीएच स्टैंडर्ड ये है कि आपके पास में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को मैनेज करने का सर्टिफिकेट होना चाहिए। समझ आ गई बात आपको? यस सर, तो वो जब तक नहीं है आपके पास में, आपका हॉस्पिटल को नहीं मिलेगा, मतलब आपका हॉस्पिटल जो है स्टैंडर्ड्स नहीं फॉलो कर रहा तो आपको एनएबीएच एक्रेडिटेशन नहीं मिलेगा। अगर आपके यहाँ पे हॉस्पिटल में, जैसे ये भी एक एक तरह की वो है, क्वालिटी है, कि अगर आपके हॉस्पिटल में लिफ्ट है तो लिफ्ट का लाइसेंस होना चाहिए आपके पास में, ओके ठीक है। अगर लाइसेंस है तो ठीक है, नहीं है तो इसका मतलब वो स्टैंडर्ड आप फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आपको एनएबीएच का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। जैसे कि आपके एक एक एनएबीएच ने स्टैंडर्ड सेट कर रखा है कि हॉस्पिटल के पास में फायर एनओसी होना चाहिए। यस सर, अगर आपके पास फायर एनओसी है तो ठीक है, आप फॉलो कर रहे हो, नहीं है तो आपको एनएबीएच का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? सो यस ये सर, यस लिस्ट है, लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स है एनएबीएच के अंदर। अगर आप वो फॉलो करते हो तो आप एनएबीएच कंप्लायंट हो, नहीं करते तो नहीं हो आप, ओके आई ठीक है। अंडरस्टैंड, यस सर, यस आ गया सर समझ में। अच्छे समझ में आ गया? और जी कुछ जी आओगे सर, तो पूछो। देखो देखो सुनो, जी सर, वी आर हियर टू टीच यू, ठीक है, जी सर, नॉट जस्ट द थ्योरेटिकल पार्ट, कि सिर्फ थ्योरी थ्योरी ना बताऊं, जो प्रैक्टिकल बात है उसमें यू कैन आस्क मी नाउ, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और भी कोई क्वेश्चन तो पूछ लो, जो जैसे अपने, मुझे अच्छा लगता है कि कोई मेरे से क्वेश्चन पूछे ताकि हम क्लैरिफाई कर पाए बातों का। यस सर, ऐसा ना सर, थ्योरी अब आदमी ने रट ली, खत्म कर दी, तो प्रैक्टिकल बातें सर वो प्रैक्टिकल उससे ही समझ में आती है ना सर, अब इसी से एनीवेज समझ। समझ में आ गई कि क्यों कराना ये जरूरी होता है। अब आ गया सर समझ, पूरा डिटेल में मैं बता भी सकता हूँ किसी को और समझ भी सकता ठीक है, अब हूँ। मैं खुद भी, जैसे हम एनीवेज कंसल्टेंसी दे रहे हैं, तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा हॉस्पिटल हो जो कराना चाहता हो तो बता देना, ठीक है, हम उसकी हेल्प कर देंगे और आप ही के थ्रू करवा भी लेंगे उसको। ठीक है सर, मैं यहाँ तो इधर बिलासपुर साइड तो सर ऐसे हॉस्पिटल नहीं है, क्योंकि आपको तो पता है रामपुर की स्थिति क्या है, रामपुर साइड तो सर इतना नहीं होता यहाँ पे नहीं, स्थिति। रामपुर ये इधर इधर छत्तीसगढ़ में है। नहीं सर, रामपुर उत्तर प्रदेश, आजम खां का। अच्छा, ठीक जी ठीक जी है ठीक ठीक है, आजम खां वाला रामपुर सर, ओके ओके, ठीक, उसमें तो आपको पता ही है सर, इधर तो बस चलो हॉस्पिटल ठीक है। को ये है कि चल रहा है बस, ये समझ लीजिए बस। हाँ, तो जी जी अब क्या है, एनएबीएच किसके लिए कराना जरूरी है, अब आप आंसर दे पाएंगे ढंग से? तो जी यस सर, बिल्कुल आपका एनएबीएच सर, कंसल्टेंसी में काम क्या था करने का? उसमें पहले तो मुझे एचआर में भेज दिया गया था कि आप उनके ठीक एचआर की है, लिस्ट पर, जो उसमें होता है उनके पेपर्स होते हैं, ऑफरिंग लेटर, ये वाले लेटर की मतलब सबकी फाइल्स पूरी हैं या नहीं है, अगर नहीं है तो क्या क्या नहीं है उसमें, वो मैं अच्छा, स्लिप बना के उसमें पिन अप करके छोड़ दिया करता था फाइल को। सेकंड तो मुझे दिया गया है आप, डीएमसी का, दिल्ली मेडिकल काउंसलिंग वाला सर, वो जो उनके मेडिकल मतलब जो आपके डॉक्टर्स होते हैं उनकी सब 5 साल की सर वैलिडिटी होती है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो जी चेक जी करना सारे वो सर्टिफिकेशन चेक और। करना था, वो मुझे पूरी लिस्ट दी गई थी कि जो जो रिन्यूअल होना है, डेट आज करीब में है, उनकी एक लिस्ट तैयार करो, और जो एक्सपायर हो गए उनकी एक लिस्ट तैयार करो, वो अच्छा बताओ अच्छा हमें। तो फिर डीएनसी अच्छा दिया गया, नर्सिंग का दिया गया, तो ऐसे छोटे छोटे काम मुझे दिए गए थे। ये अच्छा, ठीक है। कितना पैसा पे करते थे आपको मालूम?
सर पैसा तो वो मुझे बस मतलब ये समझ लिए कि आना जाने के ही समझ लिया, बस हो जाया करता था मेरा। अच्छा, सर ठीक आपका ठीक कितना है पे ऑफ? नहीं देखो वो डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। चलो ये बात हम बाद में करेंगे, ठीक है? अभी इज नॉट द राइट राइट टाइम, बट यस मतलब मैं डिस्कस कर लूंगा, आप देखो फोन कर लेना इसके बाद में, क्लास के बाद में। नंबर आप मुझे शेयर कर दें सर मैसेज पर। हाँ 84700। 1 सेकंड सर, 1 सेकंड। मुमिन एम आई ऑडिबल? ये सर नंबर 84700 9097 5। 9097 5। 90975। ठीक हाँ जी है, ठीक थैंक यू है सर, मैं आपको कॉल करता हूँ। ठीक है। चलो ठीक है, हम 10 मिनट में बात करते हैं बाद में, ठीक है ना? 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है? ठीक। तो यू कैन कॉल मी नाउ ऑल्सो दैट वन।
यस, एम आई ऑडिबल मोमेंट? यस सर, यस ऑडिबल। ओके, सो नाउ विल प्रोसीड प्रोसीड टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर। ओके, सो अपनी की कभी पढ़ा है प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर, टर्शियरी हेल्थ केयर क्या होता है, कुछ बताओगे मेरे को इस बारे में? मोमिन कोई आइडिया है आपको इस बारे में? नो प्राइमरी हेल्थ केयर आपने पहले कभी पढ़ा नहीं है? सर पढ़ा था बट थोड़ा चलो वाइट। सो देयर इज वन थिंग व्हिच इज कॉल्ड प्राइमरी हेल्थ केयर, अनदर थिंग इज कॉल्ड सेकेंडरी हेल्थ केयर, टर्शियरी हेल्थ केयर। ठीक है, अब आराम से बिल्कुल एग्जांपल से समझते हैं, सिंपल एग्जांपल से। अब आप अगर आपको अगर हल्का सा क्या हुआ, आप कुछ काम कर रहे हैं और हाथ में हल्का सा कट लग जाए और ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए उससे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? बैंडेज वगैरह? बैंडेज लगा लेंगे। चलो थोड़ा डीप कट है हल्का सा, ठीक है, तो आप कहाँ जाएंगे? बराबर में जो होते हैं छोटे ना, जो भी, हाँ जो भी डॉक्टर होगा आसपास में वहां चले जाएंगे। मोहल्ला तो डॉक्टर क्या करेगा, हाँ डॉक्टर क्या करेगा, आपका तुरंत देखेगा उस एरिया में, अगर को लेगा थोड़ा डीप कट है तो वो सूचरिंग करके पट्टी उट्टी बांध के आपको घर भेज देगा, जी। है ना? ठीक है, इसको बोलेंगे प्राइमरी हेल्थ केयर। इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है। सेकेंडरी हेल्थ केयर, चलो आप आप क्या हुआ, बीमार हो गए, आपको डेंगू हो गया, तो आप किसी छोटे से हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाएंगे और 10 दिन वहां एडमिट रहेंगे, 5 दिन एडमिट रहेंगे, एडमिट होकर ठीक होकर आ जाएंगे आपसे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम? सेकेंड सेकेंडरी हेल्थ केयर। अब क्या हुआ, कोई एडवांस बीमारी हुई आपको, जैसे कैंसर हो गया, जैसे स्ट्रोक हो गया, जैसे हार्ट की कोई बीमारी हो गई, ठीक है, अगर कोई ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड बीमारी हो गई जिसमें कि मतलब स्पेशलिस्ट डॉक्टर की जरूरत है, उसको बोलते हैं, और फिर वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही ठीक कर पाएगा, उसको क्या बोलेंगे? टर्शियरी हेल्थ केयर। टर्शियरी हेल्थ केयर, ठीक है। तो प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर, टर्शियरी हेल्थ केयर। अब मुझे एक बात बताओ, प्राइमरी हेल्थ केयर समझ में, केयर समझ में, देखो मैं केयर की बात कर रहा हूँ, मैंने सेंटर की बात नहीं करी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर अलग चीज है, केयर अलग चीज है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर आपके मतलब अब वो क्या बोलते हैं, टर्शियरी हेल्थ केयर कौन से हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल में मिलता है यूजुअली, जैसे मेदांता हॉस्पिटल में, मेदांता, फोर्टिस, मैक्स, अपोलो, ऐसे हॉस्पिटल में मिलता है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, तो क्या इसका मतलब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे तो आपको हल्का सा कट लगा था और उसके लिए जो सूचरिंग करनी थी, तो आप अपोलो नहीं जा सकते उसके लिए? नहीं जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते? जा सकते हैं, है ना? तो इसका मतलब टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर में प्राइमरी हेल्थ केयर मिल सकता है, हाँ या ना? यस बिल्कुल मिल सकता है। सेकेंडरी हेल्थ केयर मिल सकता है? यस बिल्कुल मिल सकता है। और टर्शरी केयर मिल सकता है? वो तो है ही सर, वो तो है ही है, समझ में आ गया? अब अगर मैं छोटे से गुप्ता नर्सिंग होम में चला जाता हूँ, गुप्ता हॉस्पिटल में चला जाता हूँ, छोटा सा हॉस्पिटल है, 50 बेड हॉस्पिटल है वो, ठीक है, अब वहां पे मुझे कैंसर का ट्रीटमेंट मिल सकता है? नो no. नहीं मिल सकता। तो उसका मतलब सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर में मुझे टर्शियरी हेल्थ केयर नहीं मिल सकता। देखो सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर में क्या मिल सकता है, सेकेंडरी हेल्थ केयर मिल सकता है। अब उस गुप्ता गुप्ता हॉस्पिटल के अंदर मेरे को वो मिल सकता है, क्या बोलते हैं ट्रीटमेंट, कोई हल्का सा कट लग जाए फिर उसका ट्रीटमेंट मिल सकता है उसको? यस बिल्कुल मिलता है। तो उसका मतलब ये होगा सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर में सेकेंडरी केयर मिल सकती है और प्राइमरी केयर भी मिल सकती है। अब प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में क्या आपको डेंगू का इलाज मिल सकता है जिसमें 5 दिन आपको एडमिट रहना पड़ेगा? नो नहीं। तो उसका मतलब क्या है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में आपको सिर्फ प्राइमरी हेल्थ केयर मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन आया, व्हाट टू मीन बाय प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर, टर्शियरी हेल्थ केयर? यस सर, ठीक है। मुझे 1 मिनट देना प्लीज, 1 सेकेंड।
हाँ जी, सो प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर, टर्शरी हेल्थ केयर, समझ में आ गया आपको? यस कोई डाउट है इसके अंदर? नो अब एक चीज है क्वार्टरनरी केयर, बहुत ज्यादा मतलब की नहीं है आपके, ठीक है? बहुत ही एडवांस्ड एडवांस्ड एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन हो रही हो, जो ऐसा कुछ प्रोसीजर होना हो जो कहीं पर भी नहीं होता हो, वो भी ट्रायल स्टेज में ही है, उसको बोलते हैं, तो हमारे मतलब का वो बहुत ज्यादा है नहीं फॉर द टाइम बिंग, ठीक है? ये हॉस्पिटल के है। अच्छा, अब हम समझते हैं इंडियन हेल्थ केयर इंडस्ट्री को, जीडीपी, डिमांड, सप्लाई, फोरकास्टेड आल्सो। अच्छा, जीडीपी क्या होता है? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हाँ जी, क्या मतलब होता है इसका? डिमांड जो मैं इसको क्या समझाऊं सर चलो मैं बताता हूँ, अर्थव्यवस्था सर कह सकते हैं चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। सिंपल सी बात कि आपके घर में 3 लोग हैं, ठीक है? आपके पापा की इनकम 1 लाख रुपए, आपकी मम्मी की इनकम 50,000 रुपीज, आपकी इनकम 20,000 रुपीज, ठीक है? तो ये जो इनकम है आपकी कितनी हो गई? आपके घर की इनकम, मैं 175 हाँ, 1,75,000 रुपये, ठीक है? अब 1,75,000 रुपये आपके घर का जीडीपी है, ठीक है? अगर मैं ऐसे हर एक फैमिली का ले लूं, हर एक फैमिली का पूरे इंडिया में, हर एक फैमिली का, हर एक कंपनी का, सबका मिला लूं, तो वो क्या बन जाएगा? वो क्या बन जाएगा? जीडीपी यस इंडिया का जीडीपी बन जाएगा, इंडिया का जीडीपी बन जाएगा। सर तो अब ये देखा गया कि इंडिया का जितना भी जीडीपी, जैसे अब चलो चलो मैं आपसे ही शुरुआत करता हूँ, उससे बढ़ूंगा, ठीक है? तो आपके घर की का जीडीपी कितना है? 1,75,000 रुपये, ठीक है? साल का कितना हो गया? मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से सर बताओ, आंसर बताओ फटाफट, कैलकुलेशन आनी चाहिए मैनेजमेंट में। सर अभी आ जाएगी 1 सेकंड हो गया सर ₹21 लाख यार, कमाल, इतना टाइम लगता है कैलकुलेशन करने में यार। 1 लाख रुपए से 12 लाख रुपए हो गए, 50,000 रुपए से 6 लाख रुपए हो गए, 12 और 6 18, और 25,000 रुपए से हो गए 3 लाख रुपए, तो 12 से 18 तीन 21, 21 लाख रुपए हो गए सीधे सीधे। हेलो हेलो, हाँ जी, जी सर अप्रोक्स 20 लाख 20 अप्रोक्स नहीं, 21 लाख यार, सिंपल। 1,75,000 रुपये बोले हैं ना, तो 1 लाख रुपये मल्टीप्लाई बाय 12 हो गए 12 लाख रुपये, अरे पचास हजार तो रुपये मल्टीप्लाई भाई बाय 12 6 लाख रुपये, 12 से 18, और 25,000 रुपये मल्टीप्लाई कितने बाय 12 3 लाख रुपये, तो हो गए 21 लाख हो गए सीधे सीधे। ठीक है ठीक मैनेजमेंट में काम करना है तो मेंटल कैलकुलेशन बहुत ही जबरदस्त होनी चाहिए, ठीक है? ठीक है ठीक बहुत ही क्विक होनी चाहिए आपकी मेंटल कैलकुलेशंस। ओके चलो, 21 लाख रुपए है। अब सारे साल में आप लोग अपनी फैमिली में 3 लोग हो, सारे साल में आपके फैमिली ने लगभग लगभग 1.5 लाख रुपए खर्च किए हैं ऑन हेल्थ केयर। जैसे कि कभी आप बीमार हो गए तो आपका आपका खर्चा आया 50,000 रुपये, फादर आपके बीमार पड़ गए तो 50,000 रुपये उनका खर्चा आया, मदर आपके बीमार हो गए तो 50,000 रुपये का खर्चा आया, और एक साल में एक एक बार हर कोई बीमार पड़ गया सपोजरली, तो टोटल खर्चा कितना हो गया ये?
कितना आना चाहिए सर? टोटल खर्चा कितना हो गया? 1.5 लाख हो गया आपका खर्चा पूरे साल में। पूरा साल का 3 लाख? नहीं, आपके सपोजिटली आपके यहाँ पर टोटल इनकम कितनी थी आपकी? 1,75,000 थी, और साल की थी सर 21 लाख। 21 लाख रुपए साल के। और साल में आपकी पूरी फैमिली का हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर टोटल मिला के 1.5 लाख रुपए था एक साल का? ठीक है, हाँ जी, एक साल का। इसमें आपके फादर एक बार बीमार पड़े 50,000 रुपए लगे, मदर बीमार पड़े 50,000 रुपए लगे, आप बीमार पड़े 50,000 रुपए लगे। ठीक है सर, ठीक है, तो 1.5 लाख रुपए हो गए। ठीक है सर, तो अब मुझे बताओ कितना परसेंटेज हो गया आपका परसेंटेज टोटल इनकम का, कितना परसेंटेज हो गया ये? 1.5 लाख कितना परसेंटेज हो गया सर? सर एक, हाँ वही 1% आ गया सर। अच्छा 1% कैसे आ गया भाई? 1% 21 लाख का 1% 21,000 रुपए होगा। वो सॉरी 10 10% कैसे हो गया? 10% होगा 2,10,000 रुपए। 2,10,000 डेढ़ पांच मतलब 10 और 5, 5, 7 ऐसे लगभग आएगा। हाँ 7% कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। हाँ 7% होगा, 7 या 8? 7%, 7। ठीक है, हाँ समवेयर अराउंड 7%। अरे यार सिंपल हो गया, 21 लाख का 10% कितना हो गया? 21 लाख का 10% 2,10,000 रुपए हो गया। 2,10 हो गया सर। ठीक है, और 1% हो गया 21,000 रुपए। तो 2,10,000 में जब हम तीन तीन मतलब एक एक परसेंट माइनस करेंगे, मतलब 21,000 21,000 21,000 लगभग हमने 60,000 रुपए माइनस कर देंगे। 2,10,000 में से 60,000 माइनस कर देंगे कितना होगा? 1.5 लाख। जी सर, ठीक है ना, तो लगभग 1,500, तो लगभग कुछ 6.7, 6 और 7 के बीच में होगा ये परसेंटेज, है ना। तो लगभग आपकी इनकम का 6% आपने, 7% लगभग आपने कहाँ खर्च कर दिया? मेडिकल हेल्थ में, मेडिकल में, ठीक है। तो एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी आपने अपने जीडीपी का कितना परसेंटेज खर्च कर दिया? 7%। 7% किस पे खर्च कर दिया? हेल्थ पे, हेल्थ केयर पे खर्चा कर दिया, ठीक है। अब ये तो जैसे आपने अपने लिए कैलकुलेट करा, ऐसे आप पूरे इंडिया के लिए कैलकुलेट कर लो, ठीक है। ठीक है, उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे इंडिया में देखो क्या लिखा है यहाँ पर, इंडिया में 4.20% 2%, हाँ, मतलब इंडिया में जीडीपी का, जितना भी इंडिया का जीडीपी है उसका 4.2% जो है किसमें खर्चा हो रहा है? हेल्थ केयर में खर्चा हो रहा है। समझ में आ गया आपको बात क्या है इसका मतलब है? यस सर, अच्छे से समझ में आ गया। यस yes. जबकि अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड कितना खर्चा करती है? वर्ल्ड सर 10.60%। हाँ, तो इसका मतलब जितना भी वर्ल्ड का जीडीपी है उसका 10.6% जो है किसमें खर्चा होता है? हेल्थ केयर का, हेल्थ केयर पे खर्चा होता है। एनी डाउट? नो सर। अच्छा सर, ये सर ये क्या नाम है जो कैलकुलेशन है सर, ये सही है कि 4.20 मतलब हमारी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, ये एक्चुअल है। जो मैं आपको बताया था वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, ये एक्चुअल की कैलकुलेशन सही है, 2015 में की गई थी। अदर कंट्री में सर क्या नाम है 6% होता है बस, हमारे सबसे ज्यादा है। नहीं नहीं नहीं, नहीं आप समझे नहीं, देखो ये वर्ल्ड का है ना सर 10.60। आप समझो 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 समझो, देखो जब मैं इंडिया की बात करता हूँ, इंडिया का जीडीपी ज्यादा होगा या वर्ल्ड का जीडीपी ज्यादा होगा? वर्ल्ड का ज्यादा होगा, वर्ल्ड का ज्यादा होगा, वर्ल्ड का 10% है। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ जी, हाँ जी, समझ में आ गया अभी? हाँ आ गया, आ गया, ठीक है। इंडिया अपने जीडीपी के हिसाब से कर रहा है, जैसे सपोज कर लो कि इंडिया का जीडीपी है 100 करोड़ रुपए और वर्ल्ड का जीडीपी है 2,000 करोड़ रुपए, तो वही की, ठीक है ना। तो इंडिया का 100 करोड़ के हिसाब से 4 करोड़ रुपए खर्च कर रही है अपने हेल्थ केयर पे, और वर्ल्ड अपने 200 करोड़ के हिसाब से, तो सॉरी 2,000 करोड़ के हिसाब से 200 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। तो ओवरऑल तो इंडिया का कम ही हो गया ना, ओवरऑल तो इंडिया का 0.4% ही हो गया बस, 0.4 भी नहीं, 0.02%, yes, है ना। तो ये समझ में आया जीडीपी का क्या मतलब है, परसेंटेज ऑफ जीडीपी मतलब कितना खर्चा हो रहा है। अब आपसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूं, यस सर, कि खर्चा करता कौन है? गवर्नमेंट, सिर्फ गवर्नमेंट करती है?
तुम अगर बीमार पड़ रहे हो, तुम्हारा खर्चा किसने करा था? वो तो मेरी फैमिली करेगी, मतलब मैं इंडिया की फैमिली बात। करेगा तो इंडिया नहीं, ये पूरा देखो अब यही बात समझने की है। अब हम थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक पे आते हैं, फिर वापस इसी पे आएंगे। ठीक है, क्या होता है हेल्थ के लिए हमारे पास कितने तरह की सरकार होती है? हमारे यहाँ सर क्या इंडिया में कितने तरीके की सरकार होती है? गवर्नमेंट सर इस टाइम पे तो सर नेशनल लेवल पे तो तीन है कौन कौन सी? सर, कांग्रेस है, बीजेपी है और आम नहीं आदमी नहीं नहीं पार्टी। नहीं 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 ये तो पार्टीज है भाई। सरकार सरकार कितने तरीके की होती है? सरकार गवर्नमेंट कितने तरीके की होती है? आप क्या आजमगढ़ की बात कर, आप आजम खान की बात कर लेते हैं, ठीक है? वो किसको रिप्रेजेंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को? सॉरी स्टेट गवर्नमेंट को करते हैं तो एक स्टेट है एक हाँ, सेंट्रल। तो सरकार जो होती है एक्चुअल में तीन तरह की होती है। एक सेंट्रल एक होती होती है, एक है स्टेट होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरी तीसरी होती है म्यूनिसिपल गवर्नमेंट। म्यूनिसिपल एमसीडी हाँ, एमसीडी। जैसे जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली था, अभी चुनाव हुए थे इलेक्शन उसके, हुआ है सर अभी आम ऐसे आदमी पार्टी के लिए। बीएमसी। हाँ, एक ऐसी बीएमसी है, बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, मुंबई की है वो, ठीक है? ऐसे ही नगर निगम होता है हर जगह, वहां पर पार्षद इलेक्ट होते हैं ना, पार्षद, यस सर तो वो होते हैं म्यूनिसिपल गवर्नमेंट। तो तीन तरह की गवर्नमेंट्स होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट स्टेट गवर्नमेंट गवर्नमेंट एंड म्यूनिसिपल गवर्नमेंट, ठीक है? ये तीनों तीनों सरकारें कुछ कुछ हेल्थ केयर पे खर्चा करती हैं, तो इसीलिए तीन तरह के हॉस्पिटल्स होते हैं हमारे पास में। पहला सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कोई नाम एम्स बताओ सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल का। सर एम्स वेरी गुड। दूसरा स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कोई नाम बताओ स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल का। स्टेट गवर्नमेंट तो सर आई थिंक जीबी पंत जी। वेरी गुड वेरी गुड। जीबी पंत हो गया, सफदरजंग हो गया, ठीक है? तीसरा होता है म्यूनिसिपल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का हॉस्पिटल, तो सर उसका कोई एमसी नाम बताओ। उसका तो सर जो वो तो सर छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं जो हमारे यहाँ भी हैं। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। जैसे जग प्रवेश चंद हॉस्पिटल, जी 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 चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय, जी वो तो ऐसे बहुत होते छोटे हैं सर, मोटे वो तो हॉस्पिटल बहुत सारे होते हैं ना। बहुत तो होते हैं। ये तीनों को चलाने का काम, अब एम्स को चलाने के लिए पैसा कौन देता है? सेंट्रल देगी, सफदरजंग को चलाने के लिए सफदरगंज को सर चलाने के लिए वो स्टेट देगी, जब स्टेट स्टेट हॉस्पिटल है तो। देगी। हाँ, स्टेट है ना। और वो नेहरू, चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय को चलाने के लिए जो वो लोकल एमसीडी देगा म्यूनिसिपल गवर्नमेंट, वो एमसीडी देगा। तो देखो, इन तीनों ही हॉस्पिटल में अगर आप जाओगे तो आपको इलाज फ्री होगा। यस सर। के लिए इलाज वो फ्री है, लेकिन एक्चुअल में सरकार को जो डॉक्टर रखा हुआ है उसको भी सैलरी देनी पड़ेगी, जो दवाई आपको वो फ्री में खिला रहे हैं उसके लिए भी सरकार को कहीं से खरीद के लानी पड़ेगी वो दवाई, ठीक है? सर फार्मास्यूटिकल कंपनी, जैसे पैरासिटामोल की दवाई है, अब आपको खिलानी है बुखार उतारने के लिए, तो आप ही को फ्री में मिल रही है, लेकिन सरकार को वो खरीदनी पड़ती है। किससे खरीदनी पड़ती है? फार्मेसी से दवाओं को फार्मास्यूटिकल करती है। कंपनी से खरीदनी पड़ेगी। समझ में आ रही है बात आपको? तो यस यस अल्टीमेटली सरकार को खर्चा करना पड़ता है ना इसके लिए। वो तो करना ही है। तो एक खर्चा कौन कर रहा है? एक करता है पब्लिक, पब्लिक मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब सरकार खर्चा करती है। और दूसरा खर्चा कौन सा होता है? जो आप अपनी पॉकेट से करते हो। तो पब्लिक और प्राइवेट एक्सपेंडिचर, प्राइवेट हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर, पब्लिक हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर समझ में आ गया, जो सरकार करती है, कोई भी गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, और म्युनिसिपल गवर्नमेंट हो, कोई भी हो। और अगर कोई मतलब सरकार खर्चा करती है, और अगर कोई इंडिविजुअल इंडिविजुअली खर्च करता है, अपने आप से आप खर्च करते हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम? प्राइवेट इंडिविजुअल सर वो प्राइवेट आ गया। यस एक्सपेंडिचर हो गया। समझ में आ गया? तो ये सर। टोटल जो 4.2% दिया हुआ है, ये दोनों मिला के है, अरे जो आप प्राइवेट और अपनी जेब से, प्राइवेट एंड पब्लिक, पब्लिक। ठीक है? समझ में आ गई बात अच्छे से? यस समझ सर। में आ रहा है या मैं मतलब बोले जा रहा हूँ? ऐसा तो नहीं लगी मतलब समझ नहीं आ रहा कोई बात? नहीं सर A to Z की समझ में आ रहा है सर। आसान लग रहा है, कोई डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा? नो 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 बहुत इजी सर लग रहा है। ठीक है, गुड। अब
इंडिया में ये 4.2% जो है ये टोटल प्राइवेट एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर है, ठीक है। हाँ अब देखो, समझो जीडीपी का कितना परसेंटेज हमारा हेल्थ केयर में खर्चा हो रहा था, 4 पॉइंट 4.2। यस सर टू सर तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं, 2020 में इंडिया का जीडीपी 200 लाख करोड़ रुपए था, 200 लाख करोड़, ठीक है ठीक हाँ ठीक है, और है, उसका 4% हम हेल्थ केयर पे खर्चा कर रहे हैं, चार ठीक परसेंट है। हाँ तो 200 लाख करोड़ का 4% कितना हो गया, 200 लाख करोड़ का 1% हो गया सर, 1% हो गया 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ हो गया, 2 लाख करोड़ हाँ की 4 से करेंगे तो सर 4 लाख करोड़ हो गया सर वो, वेरी गुड। अच्छा जी, 2 को 4 से करेंगे 8 लाख करोड़ हो गया, जी सर 8 लाख करोड़, 8 लाख करोड़ रुपए हम किसमें खर्चा कर रहे हैं, हम उस पर हेल्थ केयर पे सर, हेल्थ केयर पे खर्चा कर रहे हैं, यस सर और इसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों है, यस सर ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, पब्लिक एक्सपेंडिचर जो होता है वो सिर्फ 20 से 25% होता से 25, है ना। चलो 25% मान लेते हैं हम, ठीक है पब्लिक मतलब जो सरकार, सरकारें जितनी भी सरकारें हैं वो जितना भी खर्चा करती हैं वो लगभग 25% होता है। यस सर, तो 8 लाख करोड़ में से का 25% कौन खर्चा करेगा, सरकार। 25% मतलब कितना हो गया, 8 लाख करोड़ का 25% सर, हाँ सर 2 हो गया, 2 लाख करोड़ हो गया। यस तो 2 लाख करोड़ रुपए कौन खर्चा कर रहा है, गवर्नमेंट, गवर नमेंट खर्चा कर रही है। बाकी कितने बचे, 6 लाख करोड़ रुपए बचे। अब 6 लाख करोड़ 6 लाख करोड़ रुपए कौन खर्चा कर रहे हैं, पब्लिक करेगी, पब्लिक नहीं मतलब इंडिविजुअल अपनी अपनी पॉकेट से खर्चा करेंगे। हाँ मतलब वही मतलब पब्लिक ही सर, मतलब हाँ देखो, नहीं अगेन पब्लिक जब बोल रहे हैं तो हम सरकार का मतलब होता है, पब्लिक मतलब अपनी जेब से खर्चा करेंगे, सिंपल बात। वो एक प्राइवेट का, सरकार खर्चा करेगी, हाँ प्राइवेट एक्सपेंडिचर होगा वो, प्राइवेट प्राइवेट ठीक है। तो आप देखो कि कितना ज्यादा डिफरेंस है। तो इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली हमारा जीडीपी कितना था, 4.2 जीडीपी कितना था हमारा, अभी बताया ना मैंने, 200 लाख करोड़ रुपए जीडीपी का अच्छा वो मिलेगा दो दो सौ हजार लाख बीस में करोड़ अभी से शायद हेल्थ केयर का हाँ पूछ रहा था हाँ और सरकार कितना खर्चा कर रही है उसमें से, सर, उसमें से सरकार 4% कर रही थी, 4% नहीं कर रही थी यार, सरकार कितना कर रही थी उस 4% का, पच्चीस सरकार सॉरी परसेंट सर उसका 2 लाख करोड़ था सर उसका, 2 लाख करोड़ रुपए खर्चा कर रही थी। तो जी इसका जी मतलब सरकार जीडीपी का कितना खर्चा कर रही थी, सरकार जीडीपी का, हाँ जीडीपी 200 लाख करोड़ रुपए है और सरकार 2 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है। जी, सोचो दो बताओ, देखो जीडीपी है 200 लाख करोड़ रुपए इंडिया का, लाख करोड़ तो और दो जीडीपी थी लाख सर, हाँ 200 लाख करोड़ रुपए जीडीपी था, और जी सरकार सर खर्चा कर रही है 2 लाख करोड़ रुपए खर्चा कर रही है। तो ठीक है सर, सरकार जीडीपी का कितना खर्चा कर रही है, अच्छा उसका 2 लाख करोड़, उसका 200 लाख करोड़ का कितना परसेंटेज है ये पूछ रहे हैं सर आप, हाँ, ये अच्छा 2 लाख तो सर उसका शायद 0 पॉइंटों में कुछ असर आएगा सर, अरे 0 पॉइंटों में क्यों होगा यार, 200 लाख करोड़ का 1% कितना होगा, 200 लाख करोड़ का 1% सर, हाँ 200 लाख का 1% हो गया सर आपका, 2 लाख, नहीं 2000 हो हाँ दो नहीं, लाख दो करोड़ लाख ठीक तो दो है, लाख 2 लाख करोड़ करोड़ तो हो हो गया, गया सर, 2 लाख करोड़ हो गया, 1% हो गया सर, हाँ। और सरकार कितना खर्चा करती है, सरकार भी तो 2 ही लाख करोड़ रुपए खर्च करती दो है, लाख कर रही है 1% हो गया सर, तो इसका मतलब 1% ऑफ द जीडीपी हो गया आंसर इसका। जी जी तो जी सरकार लगभग 1% ऑफ द जीडीपी खर्चा करती है, जी सर, ठीक है। सरकार का मतलब क्या क्या है इसमें, सरकार सर 3 है कि क्या नाम है, सेंट्रल और स्टेट और म्यूनिसिपल वाली, हाँ ठीक है। ठीक तो है सर, लगभग 1% ऑफ द जीडीपी पे जो खर्च किया जाता है वो सरकारें खर्च करती हैं, ठीक तीनों है। मिलके हाँ तीनों सरकारें मिलके, और बाकी बाकी जो 3% है वो कौन खर्च करता है, लगभग प्राइवेट वो प्राइवेट, करते हैं। ये कंसेप्ट समझ में आ गया अच्छे से, कोई जी जी डाउट तो नहीं है इसमें, ठीक नो सर, है। अब
टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर, ये समझ में आ गया, टोटल एक्सपेंडिचर मतलब जो प्राइवेट और इंडिविजुअल दोनों मिलकर कर रहे हैं जी। अब दो टर्म्स हम समझेंगे, वन इज कॉल्ड करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर, वन इज कॉल्ड कैपिटल हेल्थ एक्सपेंडिचर। कुछ आइडिया है आपको व्हाट इज दिस? म्युनिसिपल नहीं, करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर और कैपिटल हेल्थ एक्सपेंडिचर क्या होता है? करंट आई थिंक जो सिचुएशन है मतलब चल रही है अपने जितना जीडीपी है। नहीं नहीं देखो ये कुछ और है। करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? आप बीमार हुए, ठीक है हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में क्या करा, डॉक्टर ने आपको देखा, कंसल्टेशन दी, अपना अपना टाइम आप पे लगाया, उसके बाद आपके कुछ टेस्ट किए, उसके बाद आपको एडमिट कर लिया, एडमिट करके आपको दवाइयां खिलाई, ठीक है, पट्टियां लगाई, ठीक है, आपने वो बेड को ऑक्यूपाई करके रख रखा था, ठीक है, पट्टियां लगी, दवाइयां खाई, ग्लव्स यूज हुए, माउथ मास्क यूज हुए, कितनी सारी चीजें यूज हुई, ठीक है, डॉक्टर का टाइम यूज हुआ, नर्सिंग का टाइम यूज हुआ, ठीक है, ये सब चीजें यूज हुई, क्या ये टाइम दोबारा वापस आ सकता है? नो क्या वो यूज्ड ग्लव वापस आ सकता है? नो क्या वो यूज्ड कॉटन वापस आ सकती है? नो सर नहीं। सो दिस वुड बी कॉल्ड एज, ये सब कंज्यूम हो गया, यस सर दिस वुड बी कॉल्ड एज करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर, जो एक बार यूज हो गया, खत्म हो गया, अब उसको दोबारा नहीं लाया जा सकता वापस। क्या आपने जो तो दवाई खा ली, क्या आपके पेट से बाहर निकाल के दोबारा यूज की जा सकती है? नो नहीं, इट सॉल्व हो दिस गई। इज कॉल्ड करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर। यू गॉट माय पॉइंट? समझ गया सर। अच्छे से समझ में आ गया, ठीक यस सर है। नाउ द सेकंड थिंग इज कैपिटल हेल्थ एक्सपेंडिचर, कि आपके हॉस्पिटल में आपने क्या करा, पहले 100 बेड्स थे, अब एक और बिल्डिंग साथ में खड़ी कर दी और 50 बेड्स उसके अंदर और डाल दिए, ठीक है, अब एक नई बिल्डिंग खड़ी कर दिया आपने, क्या आप इस बिल्डिंग को दोबारा मतलब बिल्डिंग के अंदर बेड्स को आप दोबारा यूज कर सकते हो? उस बेड्स को जो पहले डले हुए थे उसमें कर सकते थे सर। नहीं, जो एक्स्ट्रा 50 बेड यूज करे, अब एक बार पेशेंट को आपने वहां पे लेटा दिया, ट्रीटमेंट कर दिया, अब वो चले गए, क्या उन बेड्स को दोबारा यूज कर सकते हो? करते ही हैं सर। करते ही हैं, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। तो यस आपने एक पेट स्कैन की मशीन खरीदी और सीटी स्कैन की मशीन खरीदी, ठीक है, एक पेशेंट अपना सीटी स्कैन करा के गया, क्या दोबारा उस पे उस मशीन पे सीटी स्कैन हो सकता है? बेशक होगा सर। बिल्कुल हो जाएगा, है ना। तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड कैपिटल हेल्थ एक्सपेंडिचर। ओके जो हॉस्पिटल की कैपिटल पे जो खर्च हो रहा है वो कैपिटल हाँ जी एक्सपेंडिचर है हाँ जी हाँ और जी जो नॉट रीयूज हो कंजम्पशन पे सकता है खर्च हो वो रहा है, हाँ, जो करंट कंजम्पशन पे हेल्थ खर्च है। हो रहा है वो करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर है, ओके ओके सर जो आप आगे कंज्यूम बताइए। वो खत्म हो गया, कंज्यूम हो गई, कोई दवाई आपके पेट में चली गई तो खत्म हो गई, ठीक है, ये उसको दोबारा कैपिटल यूज हेल्थ नहीं किया जाता, हॉस्पिटल ठीक एसेट। है। कैपिटल हेल्थ एक्सपेंडिचर, करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर, अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो गया, ये बहुत अच्छे समझ में आनी चाहिए आपको बातें। ये एक आ गया सर इंडिविजुअल हॉस्पिटल के लिए भी, मतलब हॉस्पिटल के लिए बता रहा हूं मैं। अब अगर जी। सेम चीज है कि अगर सरकार जो है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट क्या करे कि कैपिटल हेल्थ एक्सपेंडिचर, करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर में मतलब क्या, कि जितने उनके एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स हैं उनमें सिर्फ डॉक्टर्स की सैलरी देने में पैसे जा रहे हैं, ठीक है, और पट्टियों में पैसे जा रहे हैं, कॉटन में पैसे जा रहे हैं, ग्लव्स में पैसे जा रहे हैं, माउथ मास्क में पैसे जा रहे हैं, नर्सिंग में पैसे जा रहे हैं, तो ये क्या होगा? तो ये कंज्यूमर करंट मतलब करंट में आ कंज्यूम, गए। है ना, हाँ, तो ये करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर है, ठीक है। अब अगर सरकार कोई नया हॉस्पिटल बनाने में खर्चा कर रही है तो तो वो सर ये कैपिटल है। किसमें वो होगा? वेरी गुड, समझ आ गया आपको अच्छे सर समझ से? में आ गया जो करंट, उसकी कैपिटल एसेट जो है जो एक बार आ गया वो रीयूज हो रहे हैं बार बार हाँ यूज हो रहा जी है वो हाँ कैपिटल में आ जी गया और जो सर कंज्यूम है वो करंट हाँ, हेल्थ एक्सपेंडिचर में सर। करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर में आ गया, कंज्यूम हो गया ना, देखो अब उसको दोबारा लाया नहीं सकता, डॉक्टर के उस 10 मिनट की कंसल्टेशन को उस टाइम को वापस नहीं लाया जा सकता। यस सर दवाई आपने खा ली, वो खा ली, ऐसे डॉक्टर के टाइम को नहीं लाया जा सकता बट डॉक्टर तो रिमेन है ना सर। अगेन अब इसी को मैं ये बोलूंगा कि अगर मैं नए नए डॉक्टर्स बना रहा हूं,
मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, सीट्स बढ़ा दी मैंने, तो वो क्या हो गया मेरा कैपिटल हेल्थ एक्सपेंडिचर, कैपिटल हो गया, सीट बढ़ाएंगे तो समझ में आ गया ना। यस सर, तो वो हो गया कैपिटल, लेकिन उस पर्टिकुलर डॉक्टर की जो फीस है वो तो दे दी मैंने उस पर्टिकुलर टाइम की, यस सर, है ना। जो डॉक्टर जो है, डॉक्टर जो है वो कैपिटल है, मगर जो डॉक्टर का टाइम है वो सर करंट हेल्थ, वो करंट है, वो करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है ठीक है, अब समझिए भाई, अगर मैं नए नए डॉक्टर और प्रोड्यूस कर रहा हूँ, पहले 100 सीट थी मेडिकल कॉलेज में, 200 कर दिए हैं, यस सर, तो क्या होगा इस चीज के लिए मुझे जितना भी एक्सपेंडिचर करना पड़ा कि 100 सीट से 200 सीट हो जाए, तो वो क्या होगा मेरा कैपिटल, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अगर 100 ही है तो 100 ही डॉक्टर है, तो फिर मतलब उसी वो उसी को चलाने में जो खर्चा हो रहा है दैट इज कॉल्ड करंट करंट एक्सपेंडिचर। सिंपल है ये, मतलब ये बड़ा सिंपल सी बात है, जो कंज्यूम हो जाएगी चीज, ठीक है, वो खत्म हो गई, वो करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर है। yes. अब आप ये देखो, इंडिया में करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर पर 95% खर्चा किया जाता है, ठीक है, हाँ जी, जितना भी खर्चा होता है वो सारा 95% उसका, मतलब हमने 8 लाख करोड़ की, जैसे मैं बता रहा था आपको बात, 8 लाख करोड़ रुपए से खर्चा मिलकर करते हैं, yes, sir. 8 लाख में से लगभग 7.5 लाख, लगभग 7.5 लाख जो है, ठीक है, वो किस चीज में खर्चा हो रहा है, सिर्फ करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर पे खर्चा हो रहा है, कि दवाई खाई, कॉटन लगाई, डॉक्टर्स की सैलरी देने में, नर्सिंग की सैलरी देने में, इनकी सैलरी देने में ही जा रहा है, सैलरी कंजम्पशन में ही जा रहा है, बस कैपिटल में कुछ नहीं है, केवल हाँ केवल 5% हम कैपिटल हेल्थ एक्सपेंडिचर पे, कि नए हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, नए मेडिकल कॉलेजेस बना रहे हैं, नए नए कुछ एसेट्स, पेट स्कैन की मशीन खरीद रहे हैं, हॉस्पिटल्स को एक्सपांड करते हैं। हाँ जी, दिल्ली में तो सर काफी हुआ है कैपिटल पे खर्च। हाँ, अब आप देखो दिल्ली इंडिया नहीं है ना, यस सर, दिल्ली इंडिया नहीं है, वो सही है, मगर दिल्ली में हुआ था। हाँ, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि ये जो कैपिटल हेल्थ एक्सपेंडिचर हो रहा है, ये सिर्फ कहाँ हो रहा है, दिल्ली में, मुंबई में, हैदराबाद में, बैंगलोर में, लखनऊ में थोड़ा बहुत हो रहा है, चंडीगढ़ में, बस यही हो रहा है, चंडीगढ़ में भी सर इतना नहीं है। मैं यही बता रहा हूँ आपको, अगर आपने खुद बोला क्लास के शुरू में कि सर आपको बताइए रामपुर का तो क्या हाल है, यस सर, क्यों बोला आपने, क्योंकि वहां पर सिर्फ कैपिटल तो कोई एक्सपेंडिचर हो ही नहीं रहा है, अगर आपके यहाँ पे कोई बीमार पड़ता है तो उसको दिल्ली ट्रीटमेंट लेने के लिए आना पड़ेगा, लाती है सर, मजबूरी वही बचती है, लास्ट ऑप्शन वही बचता है ना, उसका रीजन क्या है, क्योंकि हम 95% तो करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर पे खर्चा कर रहे हैं, हम कैपिटल पे तो खर्चा कर ही नहीं रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, अब जो नई पॉपुलेशन आ रही है वो भी उसी इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्हीं हॉस्पिटल्स में जा रही है जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, नए हॉस्पिटल्स उस स्पेस पे बन ही नहीं पा रहे जिस स्पेस पे हमारे पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, हम हार्डली 40-50 हजार करोड़ रुपए सब प्राइवेट और पब्लिक हेल्थ प्लेयर सब मिलकर खर्चा कर रहे हैं, सरकार की अगर मैं बात करूं तो सरकार हार्डली 10-15 हजार करोड़ रुपए खर्चा कर रही है सारे साल में फॉर कैपिटल हेल्थ एक्सपेंडिचर, कि नए हॉस्पिटल बनाना, नई मशीन खरीदना, इन पे सिर्फ 10-15% खर्चा हो रहा है, 10-15 हजार करोड़ रुपए बस, दैट्स इट, और बाकी जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं जैसे कि अपोलो वगैरह, ये अपना 30-40 हजार करोड़ रुपए, अपोलो फोर्टिस ये मिलके 30-40 हजार करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं कैपिटल हेल्थ एक्सपेंडिचर पे, कैपिटल पे, ठीक है, मैं ये भी ज्यादा ही बोल रहा हूँ, मैं 50 भी मतलब ज्यादा ही बोल रहा हूँ, शायद इससे कम ही होगा, फिर भी चलो 50 लगा लेते हैं। अभी आपने देखा होगा एक अमृता हॉस्पिटल बना है फरीदाबाद में, यस सर, कितना हॉस्पिटल, कितना बजट होगा इस हॉस्पिटल का, एनी आइडिया सर? नो आइडिया, कितने में बना हुआ, कोई भी, चलो ये मत समझ लो, कोई भी हॉस्पिटल बनाया जाता है तो अब उसका ये सिंपल सा हिसाब लगा लो कि 1-1.5 करोड़ रुपए पर बेड खर्चा आता है, 1-1.5 करोड़ रुपए, तो वो जैसे अगर हॉस्पिटल में अगर एक बेड क्रिएट कराएगा तो 1 करोड़ रुपए खर्चा आ जाएगा,
एक बेड का 1 करोड़, एक से 1.5 करोड़। तो एक अगर करोड़ वो अमृता हॉस्पिटल जो है 2,500 बेड हॉस्पिटल है, कितने सर? तो लगभग कितना, 2,500 बेड्स। 2,500 बेड? जी, 2,500 बेड्स, ठीक है। तो 2,500 बेड्स में लगभग कितना खर्चा आ गया होगा उसमें? हाँ, वही हो गया, 2,500 हो गया अभी। 2,500 से 3,000 करोड़ रुपए का खर्चा आ गया होगा, ठीक है। अब अभी खुद सोचो कि एक ही हॉस्पिटल में 2,500 करोड़ रुपए खर्च हो गए, टोटल हम 50,000 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं। तो ऐसे पूरे इंडिया में सिर्फ 15-20 हॉस्पिटल बन पाएंगे? आप समझ रहे हो बात, मतलब कितनी कमी है हॉस्पिटल्स की? पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, पूरे इंडिया में सिर्फ 40,000 करोड़ 40,000 करोड़ ही खर्चा हो रहा है कैपिटल। एम्स में आदमी का नंबर तब आता है जब आदमी मर जाता है। हाँ तो है ही, क्या कर सकते हैं, जिनके सर पावर है, सोर्स है, वो दिखा लेते हैं। सर दिखा लेते हैं, होता ही है, और क्या कर सकते हैं। इस पे सर हेल्थ मिनिस्टर को कुछ मतलब कॉन्फ्रेंस में या इस पे नहीं कर सकते डिस्कस? कर सकते हैं, वो कहते हैं कि जी मतलब हम कर रहे हैं, आगे काम कर रहे हैं, हम नए हॉस्पिटल बना रहे हैं। पहले सिर्फ एम्स दिल्ली था, हमने अब एम्स रायपुर, एम्स जोधपुर, एम्स एम्स ऋषिकेश और भी कई एम्स सारे एम्स बना रहे हैं इधर हम। गुड़गांव में खुला है सर, सॉरी गुड़गांव में एम्स कौन सा खुला है? नहीं हो गुड़गांव में नहीं, इधर क्या नाम है सर, क्या झज्जर झज्जर में, में सर? हाँ हाँ एनसीआई झज्जर, एक एम्स का एनसीआई झज्जर है, वो नेशनल कैंसर के लिए ही है सर वो। यस सर, उसमें सर मेरे भाई एडमिट थे ना, मैं रिया हूँ उसमें भाई को लेकर। तो ऐसे हॉस्पिटल वो उनसे पूछेंगे तो ये बताएंगे, हाँ जी हम ये काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, ठीक है ठीक है। सो दिस इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड। आई होप आपको ये जीडीपी समझ में आया होगा, परसेंटेज ऑफ यस जीडीपी समझ में आया होगा, सर, टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर समझ में आया होगा, यस पब्लिक और सर, प्राइवेट हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर समझ में आया होगा, करंट यस हेल्थ सर, एक्सपेंडिचर समझ में आया होगा, कैपिटल हेल्थ एक्सपेंडिचर समझ में आया होगा, यस सर, अगर यस ठीक है। मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड पे जा नहीं रहा हूं, आई थिंक नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। कोई डाउट है तो बताओ, कोई भी डाउट हो आपका तो कृपया ना सुन। सर, इसमें तो आपने इतनी अच्छी तरीके समझाया कि डाउट का तो आ ही नहीं रहा है मामला। कोई बात नहीं, आप आप सोच न्यू हैं, लेना। इससे पहले तो आपने कभी क्लास नहीं ली? अच्छा, नहीं मैं हाँ नया ही हूँ यहाँ पे ना। जी, क्योंकि इससे पहले आपने कभी क्लास नहीं ली, मैंने आपको मतलब इसमें स्टाफ। चलो ठीक है, सो यू कैन गिव मी अ कॉल आफ्टर आफ्टर आई डिस्कनेक्टेड, तो आप मुझसे बात कर लो फोन पे, ठीक है। ठीक है ओके, थैंक ठीक है चलो, कॉल कर लो, ओके यू सर, ओके सर, थैंक यू। ओके बाय।